होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं होली स्पेशल गुजिया। इसे बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा लेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे, 7 से 8 छोटी चम्मच पिघले हुए घी की डालेंगे। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अब इसमें पानी डालते रहेंगे और इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा गूंद जाने पर इसमें घी लगाएंगे और एक बार फिर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब इसके ऊपर गीला मखमल का कपड़ा रखकर इसे 1 घंटे के लिए अलग से रख देंगे। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। हमने बादाम, काजू, पिस्ता का इस्तेमाल करा है। आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स थोड़े से रोस्ट होने पर 3 बड़े चम्मच नारियल का भूरा डालेंगे। इसे मिलाएंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 3 छोटी कलछी पिसी हुई चीनी की मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स और चीनी के भूरे को मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में 1 कटोरी खोया लेंगे, उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। हमने यहाँ पर घर पर बनाया हुआ इंस्टेंट खोया इस्तेमाल किया है, जिसकी रेसिपी आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। खोए को चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाएंगे और हमारी गुजिया की फिलिंग तैयार है। अब मैदे से एक छोटा सा बॉल लेंगे और उसे बेल लेंगे। इसे ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलना है। अब इसे गुजिया के मोल के ऊपर रखेंगे और 2 चम्मच फिलिंग के डालेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे, वरना गुजिया फ्राई करते समय खुल जाएगी। मोल्ड को बंद करके अच्छे से दबाएंगे। बाहर निकल रहे मैदा को हटा देंगे। आप इसे अगली गुजिया को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोल्ड खोलकर गुजिया निकालेंगे। गुजिया तैयार है, अब इसे फ्राई करते हैं। गरम तेल में सभी गुजिया को डाल अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि सारी तरफ से गुजिया अच्छे से पक जाए। जब ये सुनहरी गोल्डन हो जाए तो हम इसे छानकर निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी, और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं। 1 बर्तन में 2 कटोरी चीनी लेंगे और 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। इसे मिलाएंगे और उबलने देंगे। बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए। 1 बूंद चाशनी 1 कटोरी में डालकर देखेंगे। अगर हमारी फिंगर्स चिपक रही हैं, मतलब चाशनी बनकर तैयार है। अब इस चाशनी में हम अपनी फ्राइड गुजिया डालेंगे। इसे बस 1 मिनट के लिए इसमें रखेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। ज़्यादा देर गुजिया को सिरप में नहीं रखना है, वरना ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगी। यमी यमी गुजिया बनकर तैयार है। थोड़ा सा पिस्ता लगाएंगे और गुजिया को गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।